अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AK कोचिंग सेंटर। चैप्टर हमारा चला है चैप्टर नंबर 15, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और उसका जो है हम लोग लास्ट टॉपिक जो है वो अपलोड करने जा रहे हैं। उसके बाद हमने न्यूमेरिकल्स इसका अपलोड करने हैं। और वो टॉपिक है हमारा कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं करंट और इलेक्ट्रिसिटी का ना। तो करंट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग को मेजर करने के लिए कुछ जाहिर सी बात है डिवाइसेज की भी ज़रूरत होती है। तो हम उन डिवाइसेज या इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे जो करंट जो है वो मेजर करते हैं। जिस तरह से आपके पास गैल्वानोमीटर आ गया, जिस तरह से आपके पास एमीटर आ गया, और वोल्टेज मेजर करने के लिए आपके पास होता है वोल्टमीटर। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। ठीक, गैल्वानोमीटर क्या होता है और किस तरह से वो करंट को मेजर करता है और उसकी किस प्रिंसिपल या किस वर्किंग पे गैल्वानोमीटर जो है वो काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट विच इज इन द रेंज ऑफ बिटवीन मिली एम्पीयर्स एंड माइक्रो एम्पीयर। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछ ले भाई कि गैल्वानोमीटर और जो आपके पास एमीटर होता है, ये दोनों करंट मेजर करते हैं, दोनों में फ़र्क क्या होता है? तो सबसे पहले आपने ये बोलना है कि गैल्वानोमीटर जो है बहुत स्मॉल या बहुत छोटे अमाउंट ऑफ करंट को, यानी कि मिली या माइक्रो एम्पीयर अमाउंट के जो करंट होता है उसको डिटेक्ट करने के काम आता है। सिर्फ हमें बताता नहीं कि कितना आ रहा है, सिर्फ डिटेक्ट करता है कि भाई करंट आ रहा है। तो हमें गैल्वानोमीटर की जो सुई है वो आगे जाएगी, इसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कितने मिली एम्पीयर का या माइक्रो एम्पीयर का करंट जो है वो आ रहा है। तो बहुत छोटे अमाउंट का, यानी कि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर करता है। और इसके बाद लिखा हुआ है लुगी गैल्वानो इन्वेंटेड दिस डिवाइस सो इट बिलोंग्स टू हिज नेम। अच्छा, ये साइंटिस्ट का नाम था लुगी गैल्वानो, जिन्होंने अपने नाम पे इसका नाम रखा गैल्वानोमीटर। उन्होंने इन्वेंट किया था इसको। दिस इज़ अ करंट डिटेक्टिंग मीटर बेस्ड ऑन मैग्नेटिक डाइपोल टॉर्क। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल टॉर्क में जो है वो काम करता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा मैग्नेटिज्म, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से आपके पास जो लाइक चार्जेस हैं वो एक, जिस तरह से हमारे पास दो कॉइल हैं और दोनों में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगी, और अगर उन पर अपोजिट चार्ज है दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। तो इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। नेक्स्ट पूरा चैप्टर हमारा मैग्नेटिज्म पे बेस्ड है, तो उसमें ये चीज़ हम लोग को बिल्कुल आराम सुकून से हम लोग इसको समझेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारा, अच्छा इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से, इस तरह से गैल्वानोमीटर के अंदर भी इस तरह से लिखा होता है कैपिटल जी करके, सही है। नेक्स्ट है हमारे पास एम मीटर। अच्छा, ये एम्पेयर जो है मेजर करता है, करंट की यूनिट क्या होती है एम्पेयर, तो इसलिए इसका नाम हमने रखा हुआ है, इसका नाम जो रखा हुआ है वो क्या है, एम मीटर। एम मीटर का मतलब है एम्पेयर मीटर, एम्पेयर नापने वाला आला या दो एम्पेयर नापने वाला मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट। तो एम मीटर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका काम भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना, लेकिन ये बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर नहीं करता, ये उससे ज़्यादा भी, गैल्वानोमीटर से ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट भी क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वानोमीटर। वही बात है कि ये गैल्वानोमीटर की एक मॉडिफाइड फॉर्म है, यानी कि एडवांस फॉर्म है किसकी, गैल्वानोमीटर की। गैल्वानोमीटर बहुत छोटा करंट मेजर करता है, लेकिन ये उससे ज़्यादा भी करंट मेजर कर सकता है। अ गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ एमीटर बाय कनेक्टिंग अ शो लो शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू गैल्वानोमीटर। एमीटर यूजिंग अ सर्किट ऑलवेज इन सीरीज एंसेंबल इज ए। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है अ गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर। गैल्वानोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग अ लो शंट रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस लगा के हम गैल्वानोमीटर को एमीटर में कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको ये बात लाजमी पता होनी चाहिए कि गैल्वानोमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट एमीटर जो है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए। कभी भी सर्किट में आप एमीटर को पैरेलल कनेक्ट नहीं करोगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपके पास सर्किट में जो करंट अगर सीरीज में है तो आपके पास करंट जो है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन पैरेलल में करंट कांस्टेंट नहीं रहता, करंट चेंज होता है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज में करंट सेम होता है। तो करंट सेम करने के लिए हम लोग एमीटर को हमेशा किस में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। और एमीटर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, क्योंकि करंट की यूनिट भी क्या होती है, एम्पेयर होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है इट सिंबल इज ए। तो कैपिटल ए से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। नंबर थर्ड पे हमारे पास वोल्ट मीटर। अच्छा, वोल्ट मीटर नाम है इसका, यानी कि क्या मेजर करता होगा ये, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है। अब हमारे पास जो है किसी भी बैटरी में कितना वोल्ट आ रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है, किसी भी सर्किट में कितना वोल्टेज जो है वो, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो हम किसी वोल्ट मीटर के जरिए जो है वो पता कर सकते हैं। वोल्ट मीटर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। तो वही वाली बात है कि किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है या कितना वोल्टेज जो है वो फ्लो हो रहा है, वो मेजर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वोल्ट मीटर का। गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर।
अच्छा, गैल्वानोमीटर को आप वोल्ट मीटर में भी कनेक्ट कर सकते हो। उस लिखा हुआ है हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज। अगर आप गैल्वानोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस लगा दो, वो भी सीरीज में, तो आपके पास क्या होगा, गैल्वानोमीटर जो है वो वोल्ट मीटर में कनेक्ट हो जाएगा, सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन, यानी कि आपके पास घर में जो बिजली आ रही है वो किस तरह से आ रही है, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन। अच्छा, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन। अच्छा, ये बात तो हमें पता है कि हमारे घरों में जो करंट आ रहा होता है, घरों में जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही होती है, वो हमारे पास एसी करंट यानी कि अल्टरनेट करंट की फॉर्म में आ रही होती है। क्योंकि अल्टरनेट करंट जो है, जब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, आपके पास जो पावर प्लांट होते हैं, जो आपके पास जो लाइट बनाते हैं, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले पावर प्लांट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा दूर लगे होते हैं, क्योंकि वो आबादी वाले इलाकों में नहीं लग सकते, इसलिए उन वहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस होता है, और उस डिस्टेंस में डीसी करंट जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी को लॉस करता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एसी करंट को प्रेफर करते हैं। और उस एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए, या उस करंट को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए, हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। वो भी हम आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर होता क्या है और उसका काम क्या होता है। तो घरों में जो हमारे पास बिजली आ रही होती है, वो तीन तारों की मदद से आ रही होती है, सही है। नंबर वन होती है हमारे पास लिव वायर, नंबर वन लाइव वायर होती है हमारे पास, नंबर टू होती है हमारे पास अर्थ वायर, अर्थ वायर या जिसे हम ग्राउंड वायर भी बोलते हैं, और नंबर थर्ड जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, न्यूट्रल, सही है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है देर आर थ्री केबल्स दैट प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी इन टू द बिल्डिंग। हमारे घरों में जो बिजली आ रही होती है वो तीन केबल्स इनके तीन तारों के जरिए आ रही होती है। वन इज रेफर टू ग्राउंड वायर, ग्राउंड वायर या अर्थ वायर। अच्छा, उसके बाद नंबर टू होती है दैट इज कनेक्टेड इन द बरीड मेटल प्लेट। तो हमारे घर से बहुत सारे आपने देखा होगा कि घर से अगर कोई सरिया निकल रहा हो या कोई मेटल की कोई भी चीज़ निकल रही हो, तो उससे हम लोग जो अर्थ ले लेते हैं, तो आपका ज़मीन जो है हमें अर्थ प्रोवाइड कर रही है, सही है। उसके बाद लिखा हुआ है कि द पावर प्लांट कीप इटसेल्फ वोल्टेज कांस्टेंट, द करंट फ्लोज बैक थ्रू द वायर, द थर्ड वायर विच हैज़ अ हाई पोटेंशियल इज कॉल्ड लिव वायर। तो एक जो हमारे पास जो लाइव वायर होती है उसमें बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल होता है, यानी कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल होता है, और आपके पास जो न्यूट्रल होता है वो करंट कैरी नहीं करता। लिव वायर जो है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज ज़्यादा होता है, और जो न्यूट्रल है वो करंट कैरी नहीं करता, और अर्थ वायर जो होती है, ग्राउंड वायर जो होती है, वो हमारे पास अर्थ से आ रही होती है। अच्छा, कनेक्टेड टू द बैटरी, डिफरेंस इन वोल्टेज बिटवीन द लिव एंड न्यूट्रल वायर इज 220 वोल्ट। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि लाइव वायर और अर्थ सॉरी न्यूट्रल में कितना डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, तो आप कह सकते हो कि 220 वोल्ट। इसलिए हम लोग कहते हैं कि घरों में हमारे पास जो वोल्टेज आता है वो कितना आता है, वो हमारे पास 220 वोल्ट का आ रहा होता है। तो कोई आपसे पूछे कितना वोल्टेज होता है, आपने कहना है कि 220 वोल्टेज आ रहा होता है, या कोई आपसे पूछे कि लिव वायर और न्यूट्रल के दरमियान कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो आपने कहना है कि 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, घरों में जो हमारे बिजली आ रही होती है वो तीन तारों की मदद से आ रही होती है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, 220 वोल्ट। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास के हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस तरह से आपको नुकसान पहुंचा सकती है और आप किस तरह से उनसे बच सकते हो। तो आपके पास वो हैजर्ड्स लिखे हुए हैं जिनसे आपने बचना है, और जो चीज़ आप करते हो और उनसे क्या नुकसान हो सकते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सही है, उसमें नंबर वन हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में नंबर वन हमारे पास क्या आता है, नंबर वन हमारे पास डैमेज इंसुलेशन। अच्छा, इंसुलेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी तार है, कोई भी अगर आपके पास घरों में तार यूज़ होती है, तो उसके ऊपर आपने देखा होगा इंसुलेशन चढ़ी होती है। इंसुलेशन का मतलब है आपके पास कोई ना कोई जो है आपके पास आपके पास ऐसी चीज़ लगी होती है जो करंट को कैरी नहीं करती, जिस तरह से आपके पास इंसुलेशन चढ़ी होती है वो आपके पास रबर या प्लास्टिक की होती है। कभी भी आपने देखा नहीं होगा कोई भी तार है और बिल्कुल मेटल है और उसके ऊपर कोई भी इंसुलेशन नहीं चढ़ी हुई और उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो इससे अगर आपके पास इंसुलेशन नहीं लगी हुई तो करंट लगने के चांसेस जो है वो 100% हो जाते हैं। तो नंबर वन जो है हमारे पास वो क्या होती है, डैमेज इंसुलेशन।
अच्छा इंसुलेशन जो है ज़्यादातर अगर हमने दो तारें अगर आपस में जोड़ी हैं तो उसको इंसुलेशन उसको इंसुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रिक टेप का भी यूज़ करते हैं। तो अगर हमारे पास इंसुलेशन जो है वो डैमेज हो जाए, इंसुलेशन कहीं से भी आपके पास तार जो है उसके ऊपर जो इंसुलेशन लगी होती है, रबड़ की कोई भी शीट लगी होती है, कोई प्लास्टिक की कोई भी चीज़ लगी होती है, अगर अब वो आप उतर जाए और आप उस तार को पकड़ लो तो आपको क्या कर करंट लग सकता है और आपकी जो है वो जान भी जा सकती है। तो नंबर वन जो है डैमेज इंसुलेशन। तो कभी भी आपके पास इंसुलेशन अगर डैमेज हो जाए तो आपने क्या करना है, सिंपल या तो उस तार में जो करंट आ रहा है सबसे पहले उसको बंद करना है और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक टेप का यूज़ करना है। नंबर टू होता है हमारे पास सर्किट ब्रेकर। अच्छा सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट आ जाए, आपके पास जैसे 220 वोल्टेज आपके पास घर में आ रहा है लेकिन आपके पास अगर 220 वोल्टेज ना आ रहा हो, आपके पास 220 से बढ़ के 300 हो जाए या 400 वोल्टेज आ जाए, कभी कभार ऐसा होता है कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो ब्रेकर क्या करता है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। ब्रेकर की आप सेटिंग इस तरह से करते हो कि ब्रेकर जो है ऊपर की तरफ ऑन होता है और नीचे की तरफ जो है वो ऑफ होता है। तो ब्रेकर जब ऊपर होगा इसका मतलब आपके पास सर्किट जो है वो क्लोज है और करंट आ रहा है, और अगर ब्रेकर जैसे नीचे हो जाएगा तो आपके पास सर्किट जो है वो ओपन हो जाएगा और करंट जो है वो रुक जाएगा। तो अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो ये ब्रेकर क्या होता है अक्सर जो है वो जल जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। आपको इसकी जगह पहले ही फ्यूज़ यूज होता था, अब जो है वो सर्किट ब्रेकर का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सर्किट क्लोज करने के लिए ब्रेकर के सर्किट ओपन करने के लिए ब्रेकर जो है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, जिससे हम लोग शॉर्ट सर्किट का खतरा जो है वो बच जाता है, क्योंकि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो तारें आपस में क्या होती हैं जल जाती हैं और घर में जो है आग लगने का भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो नंबर टू पे जो हमारे पास हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में वो आपके पास सर्किट ब्रेकर। तो हम सर्किट ब्रेकर का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज या बहुत ज़्यादा करंट आ जाए तो उसको रोकने के लिए सर्किट जो है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाए और करंट जो है वो अपनी जगह पे रुक जाए। अच्छा नंबर थर्ड है ओवर हीटिंग ऑफ केबल्स। अच्छा ओवर हीटिंग का मतलब है कि आपके पास जो केबल्स हैं जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा करंट होगा, हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि करंट जो है वो आपके पास पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, हीट एनर्जी के। जितनी ज़्यादा पावर होगी उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी, यानी कि अगर आप एक तार है उसमें जितना ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है वो उतने ही ज़्यादा हीट होने का उसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि हम लोग अच्छे कंडक्टर वाले तार यूज़ करें, यानी कि अगर आप सिल्वर की तार यूज़ कर रहे हो तो आपको चाहिए कि आप कॉपर की तार यूज़ करो ताकि वो ओवर हीट ना हो। जब तार ओवर हीट होती है तो तार का टूटने का खतरा होता है, और अगर तार टूट के कहीं गिर जाए किसी पानी वगैरह में या तो किसी बंदे के ऊपर गिर जाए तो उसकी मौत जो है वो वाकई हो सकती है। तो ओवर हीटिंग केबल्स वब होती हैं जब आपके पास पावर जो है बहुत ज़्यादा डिसिपेटेड होता है, और पावर डिसिपेटेड क्यों होता है क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, और अक्सर गर्मियों में ऐसा होता है कि आपके पास तार जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और तार जो है वो टूट जाता है। तो ओवर हीटिंग केबल्स को आपको बचाने के लिए आप क्या करना पड़ेगा कि आपके पास जो तार है वो हम लोग अच्छे जो है कंडक्टर कर लें और उसके ऊपर अच्छी से इंसुलेशन चढ़ाएं, और उसे जब ओवर हीट हो रही हो तो अपने सर्किट को या उस तार को बंद कर दें, यानी कि जो तार है वो बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो रही है तो हो सकता है पीछे से कोई कनेक्शन जो है वो ख़राब हो, पहले उसको हम चेक कर लें, और उसके बाद जो अपनी कोई भी हमने जैसे फ्रिज से कनेक्ट किया हुआ है, हमने टीवी या इस्त्री से कनेक्ट किया हुआ है, तब उसको हम चीज़ को चलाएं ताकि शॉर्ट सर्किट का जो खतरा है वो बच जाए। नंबर फोर पे आ रहा है हमारे पास डैम्प कंडीशन। अच्छा डैम्प कंडीशन का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ करंट लगने का खतरा बहुत ज़्यादा हो, या ऐसी जगह जहाँ आपके हाथ गीले हों, या ऐसी जगह जहाँ पे आपके पास ज़मीन जो है वो गीली हो और उस जगह पे आप जा रहे हो और उस जगह पे कोई भी करंट वाली चीज़ है तो उससे आपने बहुत ज़्यादा बचना है। जिस तरह से आपके पास ये होता है कि आपके पास बारिश होती है, बारिश में अक्सर कहते हैं कि खंभे वगैरह से दूर होकर चलना चाहिए, क्योंकि बारिश में क्या होता है जो आपको पता है कि आपके पास जो पानी है वो करंट को कैरी कर सकता है, यानी कि आपको पानी जो है एज इलेक्ट्रोलाइट भी काम करता है। केमिस्ट्री में इसका प्रैक्टिकल भी है कि पानी जो है जो आपके पास जो वाटर होता है मिनरल वाटर, यानी कि प्योर वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, लेकिन आपके पास जो पानी इसमें नमक की मकदार शामिल है तो ऐसा पानी जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे काम कर सकता है, यानी कि पानी में भी करंट फ्लो हो सकता है। या जिस तरह से आपके पास कभी आप मुंह हाथ धो के आते हो और आप बटन को ऑफ करते हो तो उसमें भी करंट लगने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपके हाथ जो है वो गीले होते हैं या आपके पास जो ज़मीन है वो आपके पास गीली होती है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं डैम कंडीशन। डैम कंडीशन तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें सबसे पहले अपने हाथ को सुखाना चाहिए, या तो अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिस तरह से आप इलेक्ट्रिक हीटर है उसको आप उसका यूज़ कर रहे हैं तो आपको जूते वगैरह पहन के काम करना चाहिए ताकि आपके पास जो करंट है वो डायरेक्ट ज़मीन में ना जाए और सर्किट क्लोज ना हो। सही है, सर्किट क्लोज होगा तो आपको करंट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो डैम कंडीशन में अगर आपके हाथ गीले या कोई सर्फेस गीला है
तो आपको क्या करना है कि उस सरफेस को सुखाना है या अपने हाथ को सुखाना है, या तो आपको इंसुलेशन का यूज़ करना है जिस तरह से आपके पास जूते हो गए या आपके पास हाथ में ग्लव्स हैं, उन ग्लव्स पहन के आपको वो काम करना है। सही है। नंबर फिफ्थ है हमारे पास सेफ्टी मेजर्स इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, सेफ्टी मेजर्स जैसे आपके पास मैंने बताया कि सर्किट ब्रेकर जो है वो आपके पास सेफ्टी मेजर है। सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है, एक पहला सेफ्टी मेजर हमारा ये हो गया सर्किट ब्रेकर। ये क्या करता है कि जब आपके पास वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई होता है तो ऑटोमेटिक जो है आपके पास जो ये ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाता है, और जब ट्रिप होता है तो आपके पास सर्किट ओपन हो जाता है और करंट जो है वो फ्लो नहीं होता। नंबर टू में हम यूज़ करते हैं फ्यूजेस एंड ब्रेकर्स। तो अब जो है हमारे पास वो क्या है, सेफ्टी मेजर्स। सेफ्टी मेजर में नंबर वन हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा सर्किट ब्रेकर। सही है। नंबर टू में आते हैं हमारे पास फ्यूजेस एंड ब्रेकर्स। अच्छा, फ्यूज का काम क्या होता है, फ्यूज का काम ये होता है कि आपके पास फ्यूज एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस होती है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कि जैसे ही आप उसको जाके टच करोगे तो आपके पास जो है वो लाइट आ जाएगी, सर्किट क्लोज हो जाएगा, और जैसे ही उसको आप निकाल लोगे तो सर्किट आपके पास ऑफ हो जाएगा। तो फ्यूज का काम क्या होता है कि सर्किट को ओपन या क्लोज करने का काम होता है। तो आपके पास अगर सर्किट को क्लोज करना है तो आप फ्यूज को निकाल दो तो आपके पास क्या हो जाएगा, सर्किट ओपन हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगा। और अगर आपको करंट को फ्लो करवाना है, अलाउ करना है, तो आप फ्यूज को जो है दोबारा लगा दो, सर्किट क्लोज हो जाएगा और करंट आपके पास क्या होगा, फ्लो होगा। नंबर थर्ड पे होता है आपके पास ग्राउंड वायर। अच्छा, ग्राउंड आपके पास जो अभी मैंने बताया कि घरों में जो करंट आ रहा होता है वो तीन तारों के जरिए आ रहा होता है, एक लाइव वायर होती है, एक हमारे पास अर्थ वायर जिसे हम ग्राउंड वायर भी बोलते हैं, और नंबर थर्ड हमारे पास होती है न्यूट्रल वायर। सही है। तो ग्राउंड वायर का काम क्या होता है कि ग्राउंड वायर जो है अर्थ सर्किट को हमारे क्लोज कर रही है, यानी कि जो तार है आपके पास ज़मीन में जा रही है उससे आपके पास सर्किट क्लोज हो रहा है। तो अगर आपको सर्किट को क्लोज होने से रोकना है तो उस ग्राउंड वायर को आप हटा दो। अगर आप ग्राउंड वायर को आप हटा दोगे तो आपके पास जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो बंद हो जाएगी, और कभी भी खुदा ना खासा कोई खतरा हो तो आप क्या कर सकते हो, उस ग्राउंड वायर को निकाल सकते हो, और आपके पास जो है वो शॉर्ट सर्किट वगैरह होने का खतरा जो है वो कम हो जाएगा, और आपके पास जो सर्किट है वो ओपन हो जाएगा और करंट जो है वो रुक जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास कुछ थे, ये सेफ्टी मेजर्स थे। नंबर वन में सर्किट ब्रेकर, फ्यूजेस ब्रेकर, और नंबर थर्ड हमारे पास क्या होता है, नंबर थर्ड हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राउंड वायर। तो ग्राउंड वायर भी हम एज ए यूज़ करते हैं सेफ्टी मेजर के तौर पे। सही। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये लिखा हुआ है कि कितने एम्पेयर करंट हमारे लिए नुकसानदेह है और कितने एम्पेयर करंट हमारे पास नुकसानदेह नहीं है। हमारे पास जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक ऑन अ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी है वो कितने एम्पेयर का शॉक बर्दाश्त कर सकती है और कितने एम्पेयर का शॉक बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो करंट लगने से होता क्या है, करंट लगने से हमारे मसल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच भी हो सकते हैं, और हमारे दिमाग में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो हमारे दिमाग के फटने का या ख़राब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो करंट लगने से इंसान की मौत क्यों होती है, वो लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 0.001 एम्पेयर कैन बी फेल्ट। आपके पास 0.001 एम्पेयर का जो करंट है ना वो हम फील कर सकते हैं, यानी कि आपके पास कोई भी अगर छोटी बहुत छोटा सर्किट है, कोई छोटी सी कोई भी तार है उसमें 0.001 एम्पेयर करंट अगर आ रहा है तो उसको आप हल्का सा फील कर सकते हो, लेकिन उससे आपकी मौत वाकई नहीं होगी। नंबर सेकंड है इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 0.005 एम्पेयर कैन बी पेनफुल फॉर ह्यूमन बॉडी। अगर 0.005 एम्पेयर करंट आपको लगे तो उससे आपको दर्द होगा, उससे आपकी मौत वाकई नहीं होगी लेकिन उससे आपको फील होगा और आपको पेन भी हो सकता है। थर्ड पे है आपके पास इफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 0.010 एम्पेयर रिजल्टिंग इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल्स एंड अनकंट्रोलेबल मैनर स्पाम्स। तो उसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर आपके पास 0.010 एम्पेयर करंट कहीं भी फ्लो हो रहा है तो वो आपके मसल को स्ट्रेच कर सकता है, आपके मसल को भी स्ट्रेच कर सकता है और आपके ब्रेन को भी बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकता है। तो अगर आपके पास 0.010 एम्पेयर करंट आ रहा है इसका मतलब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो आपने इससे जो है वो बचना है। इलेक्ट्रिक शॉक ऑफ 0.015 एम्पेयर कैन लीड्स अ लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द ह्यूमन मसल। तो 0.015 एम्पेयर का भी अगर आपके पास करंट आ रहा है तो उससे आपके मसल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। द इलेक्ट्रिक करंट 0.070 एम्पेयर पासिस थ्रू द हार्ट क्रिएट्स अ सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस एंड इज ऑलमोस्ट सर्टेनली फैटल इफ करंट्स कंटिन्यूस फॉर मोर देन 1 सेकेंड। ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास 0.070 एम्पेयर का करंट है और आपको वो लग गया है तो आपके लिए हार्ट के लिए आपके हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, इसका आपके दिल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है,
और अगर ये करंट एक सेकंड ज़्यादा लग गया आपको, एक सेकंड ज़्यादा टाइम के लिए लगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह और इससे आपकी मौत वाकई हो सकती है। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि किस तार में अगर बहुत ज़्यादा करंट आ रहा है तो उससे हमने बहुत ज़्यादा बचना है, उससे बिल्कुल करीब भी नहीं जाना। और अगर करीब आपने जाना भी है तो आपने सेफ्टी मेजर पूरे करने हैं, आपने ग्लव्स पहनने हैं, आपने शूज़ है वो प्रॉपर पहनने हैं, और आपने उन बंदों से रुजू करना है जो इस चीज़ को जानते हैं। अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता तो इन चीज़ों में आपने हाथ डालना बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो एंड होता है, चैप्टर नंबर 15 करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा एंड हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।